हेलो दोस्तों, दिनेश और महाराज टोनी टोटके में आप सबका स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा मैं कि लोग अभी फिलहाल मुझे कॉल करते हैं, बातें नहीं हो पाती मेरी, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं होता है। थोड़ा समय मिलता है तो मैं आप सबको देता हूं। अब आपसे छुपाने वाली कोई बात नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है कि मैं आप सबसे छुपाऊं। दोस्तों, आप सबको पता ही है कि लोग अपने ठीक होने के लिए चढ़ावा देते हैं। चढ़ावा चाहे 1100 का हो चाहे 2100 का, वो अपने ठीक होने के लिए देते हैं। बट मैं आप सबको एक बात बताना चाहूंगा कि मैं इसके अलावा भी मैं एक जॉब करता हूं जो फिल्म लाइन से रिलेटेड है, और उस पोजीशन का नाम मैं नहीं बताना चाहूंगा। इतना बताऊंगा कि मैं पर डे 18,000 से लेके 23,000 से लेके 30,000 तक 25,000 तक पर डे में लेता हूं एक दिन का। जब मेरी शूटिंग स्टार्ट होती है तो मैं मेरे जॉब पे ध्यान देता हूं, और जॉब पे जब ध्यान देता हूं तो मेरे सारे यूनिट के लोग होते हैं, और वो यूनिट के लोग को भी पता है कि महाराज जी हैं, और मैं कभी किसी से बदतमीजी नहीं करता, बातें कभी अनाप शनाप नहीं करता। एक पोस्ट पे हूं मैं, ऐसा नहीं कि मैं एक नॉर्मल आदमी हूं। नॉर्मल जिसे वो तांत्रिक लोग आपसे 11,000-21,000 ले लेते हैं, दुनिया भर के पैसे मांग लेते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, मैं उनमें से नहीं हूं। मेरी भी फैमिली है, मेरे भी बच्चे हैं, घर के भी खर्च हैं, तो मुझे काम करना पड़ता है। अगर मैं आप सबके सेवा में लग जाऊं तो मुझे मिलता क्या, ये बताओ। 1100-2100 रुपए निकालने में आप सबका दिमाग ब्लास्ट हो जाता है। तो भैया, जितना मुझे टाइम देना है आपको उतना ही टाइम दे पाऊंगा मैं। उसके बाद जो मेरा काम है वो काम भी तो करना है। इंसान को पैसे की जरूरत होता, मैं अपने मेहनत के पैसे पे ही घमंड करता हूं मैं। आप लोगों के पैसे से मुझे कोई लालच नहीं है और ना ही तो कोई चाहत है। मैं एक काम करता हूं, मैं एक बार फिर बता देना चाहूंगा, मैं फिल्म लाइन से हूं। मैं मेरा पोस्ट जो है, आप शायद गूगल पे सर्च करेंगे तो शायद आपको डिटेल भी मिल जाए। मैं अपने जुबान से कुछ नहीं बोलने वाला हूं। लोगों को ऐसा लगता है ना जैसे कि मैं पैसे लेने के लिए बैठा हूं, काम किसी का करता ही नहीं हूं। बॉस, तो मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, जितना मुझे चाहिए उतना मैं कमा लेता हूं, ठीक है। और रही बात जिन ढोंगियों के पास कुछ काम ही नहीं है, वो पैसे लेने के लिए बैठे हैं, तो आप लोगों को मूर्ख बनाएंगे और लेके अपना काम करेंगे। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि अभी जो मैं आपको बताया फिलहाल, जब मेरे पास काम होता है, जब मेरी शूट चालू रहती है, उस दरमियान मैं फोन पे बातें नहीं करता, क्योंकि मैं जिसका काम करता हूं तो उसको काम करके देना पड़ता है। अगर मैं फोन पे कंटिन्यू लगा रहूंगा तो वो भी मुझे काम से धक्के दे देगा। तो दोस्तों, बड़े से बड़े डायरेक्टर हैं, बड़े से बड़े प्रोड्यूसर हैं, तो उनको भी समय देना पड़ता है। मैं महाराज हूं ये भी उनको पता है। बट आप लोगों से बस इतना ही माफी मांगना चाहूंगा, इसके सिवा मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं आप सबको बता सकूं। और अभी मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जनवरी चला जाएगा, जनवरी में तो चलो ठीक है हमारी बात हो जाएगी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इतने दिनों तक मेरी कतई बात नहीं हो पाएगी। तो आप सबको काम कराना है या काम करना है तो आप अपने तरीके से बात, और जो मेरे ऑफिस से जो मेरे भक्त आपसे बात करें तो उनसे थोड़ा सही तरीके से बात करें। आप ऐसा ना सोचे कि भाई बाबा जी बस पैसे लेने के लिए बैठे, पैसे लेने के लिए बैठता तो अभी तक मैं करोड़ों ले लेता। मेरे पास इतने भक्त हैं कि अगर उनको बोलो 1 रुपये डाल देना बेटा, कल की तारीख में हर एक भक्त से बोलूं कि 1 रुपये डाल देना आप मेरे अकाउंट पे, तो 1 घंटे के अंदर 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। पर हम ऐसा नहीं करते, हमें चाहिए नहीं। हमारे पास जो हमारे पेट में जो अन्न जाता है वो हम अपनी कमाई कर लेते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे भक्त हैं उनसे बदतमीजी ना करें। वो सिर्फ आपके फोन को अटेंड करने के लिए बैठे हुए हैं और आपके समस्याओं को लिखते हैं और वो हमें बताते हैं, तो उस तरीके से मैं
समस्याओं को खत्म कर देता हूं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ और कोई हानि ना हो। और आप लोग अगर मेरे भक्तों से अगर अनाप शनाप बातें करेंगे तो जाहिर सी बात है मैं कुछ नहीं कर सकता। संसार में आप भटक लेना, कहीं में भी चले जाना, दिनेश्वर महाराज जैसा कोई भी व्यक्ति अगर आपको मिल जाएगा तो मुझे आके बता देना, ठीक है दोस्तों। अगर गलती किया है तो प्लीज माफ कर देना। शब्द कभी यहां से वहां हो जाते, बोलते हैं ना कि ये जुबान है कहीं भी फिसल जाती है, तो उसके लिए माफी चाहता हूं। थैंक यू सो मच।